सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1-800-21-23-494 पर। मैं इस गांव की सरपंच नैना जोर। हाँ जी, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, क्योंकि इस बार आपकी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया? मुझे सरपंच बनते ही पति पे जानलेवा हमला हुआ है सर। तो सर आप अगर नहीं चुनाओगे ना, तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत के ढाई हेलो। आज गांव बनी के चंद्रशेखर खेल आजाद खेल स्टेडियम में पहुंचने पर आप सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। मेरे एक बुलावे पर आप सभी इतनी संख्या में बता रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गांव बनी में बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करती हूँ, और उनके साथ आए कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी, जो किसी के जानकार हो सकते हैं पर हमारे तो रिश्तेदार हैं। और ये सबके हैं, नहीं हमारे खास रिश्तेदार हैं जी, सबके हैं, सबके हैं। और उनके साथ आए और समाज का काम, एक मिनट जी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी बात सुनिए। समाज के सब लोगों का काम, जी जी, आए एक एक मिनट मौका दीजिए आप। उनके साथ आए सारे अफसरगण और डीसी पार्थ गुप्ता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी जो डिमांड है इतनी नहीं पढ़नी है, केवल एक डिमांड आपको जो लगता है कि ये महत्वपूर्ण है इसको बताओ। हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर, बाकी मुझे बोल रहा हूँ, दो फीमेल नर्स, एक लेबर रूम और सामान्य पर्सन का सारा सामान प्रायोरिटी में उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि हमारा गांव एक तो बॉर्डर के पास है और एक हमारे गांव से शहर बहुत दूर है। हाँ जी, और क्योंकि खराब रास्ते हैं, परिवहन की सुविधा का अभाव है, इसलिए यहाँ के गरीब तबके की आबादी ज्यादा है और 10-12 गांव हमारे ऊपर डिपेंड है जी, इसलिए उनको माँ और बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। अब जी आपकी बेटी हूँ, आपका इतना अच्छा ये जो आज प्रोग्राम किया है उसके लिए आप मेरे को एक नहीं दो चीज देंगे। हाँ जी, गर्ल्स कॉलेज 30-25 किलोमीटर एरिया के अंदर हमारे पास गर्ल्स कॉलेज नहीं है, वो देखे। एक जी, अब हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो हरियाणा की बेटी बोल लेगी, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना ना जी लिखे नहीं, ये सुनहरी मौका, राजा आए हैं। मैं इस गांव की सरपंच नैना जोड़। हाँ जी, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, क्योंकि इस बार आपकी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया? मुझे सरपंच बनते ही नहीं पति पे जानलेवा हमला हुआ है सर। तो सर आप अगर नहीं चुनाओगे ना, तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत के ढाई देखिए, जन समाज का मतलब ये बहसबाजी जो मैंने सबसे पहले कहा था ना, वो ये तमाशा है। यानी हम राजनीति करने ना आए, हम बात करें, बात सुने। हाँ, मैंने विजय देख के ऊपर बैठाया, इसलिए थोड़ी बैठाया, ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। देखिए, मैं पहले ही कहा था कि मान सम्मान सब अपने हाथ में है आदमी का, हम अगर इज्जतदार तरीके से बात करेंगे तो ठीक है, होगी राजनीति आपकी, लोग चलिए। भारत माता की मेरा 11 हो गया, 11:30 तक का टाइम इस समाज कार्यक्रम का था, मैंने इस कार्यक्रम को पूरा किया। आपकी सब सभाएं, सब बातें मैंने सुनी हैं, जितनी एप्लीकेशन आपने दी हैं उन पर सब पर पूरा काम हो